चंडीगढ़ समेत पंजाब हरियाणा में लगातार मौसम सुहावना देखने को मिल रहा है। हालांकि कई जगह बारिश जो है वो हुई है और आने वाले दिनों में भी इस तरह से हरियाणा की अगर हम बात करें तो कई जगह पर जो साउथर्न पार्ट्स हैं वहां पर आने वाले दिनों में बारिश की बात की गई है। पंजाब की अगर हम बात करें पंजाब में भी रुक रुक कर जो बारिश हो रही है। मौसम विभाग के साइंटिस्ट शिवेंद्र जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शिवेंद्र जी, क्योंकि मौसम में लगातार कह सकते हैं कि सुहावना हो रहा है, लाइट टू मॉडरेट है, अगर हम बात करें आने वाले दिनों में, चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, किस तरह से मौसम रहने? देखिए, जो आने वाले 3 से 4 दिन है मेनली हमारा जो मेन एक्टिविटी रहेगा वो हरियाणा के ऊपर एक्टिविटी रहेगा और उसी के साथ साथ जो हमारा ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब है और नॉर्दर्न पंजाब है वहां पे हमारी रेनफॉल एक्टिविटी रह सकती है। वेर एज जो हमारा वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब है वहां पे बहुत कम रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी, आइसोलेटेड कहीं एक दो जगह पर रेनफॉल एक्टिविटी ही रहेगी। ओवरऑल पंजाब की बात करें तो हमारा फोरकास्ट आइसोलेटेड रेनफॉल का है, वेर एज पंजाब में हमारा आने वाले 2 दिनों में तो हमारा स्कैटर्ड है और day 3 में हमारा फेली वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी है। यानी कि जो हमारा 12 तारीख के आसपास हमारा रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा सा पीक करेगा हरियाणा पे भी और उसी के साथ साथ जो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब है जिसमें पटियाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, मोहाली, एडजॉइनिंग नवांशहर, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स भी आते हैं, इनमें भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने के चांसेस हैं। तो सर, जैसे आने वाले समय में क्योंकि मानसून एक्टिव है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी कुछ दिख रहा है? देखिए, अभी जो मेन रेनफॉल हो रही है वो मानसून की एसोसिएटेड रेनफॉल ही है जिसके कारण हमारी जो मेन रेनफॉल एक्टिविटी सदर्न हरियाणा के आसपास हो रही है। आज मॉर्निंग से हम देख रहे हैं जो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब है उसी के साथ साथ जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब है इसमें चंडीगढ़, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें भी बारिश का एक अच्छा स्पेल देखने को मिला है। तो आने वाले दिनों में भी इसी तरह से, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं कि सुबह बारिश, दिन में थोड़ी धूप, इसी तरह से? हाँ, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी आइसोलेटेड कंटिन्यू करेगी, पर जो मेन जो हमने जिसके लिए अलर्ट इशू किया हुआ है, येलो जो अलर्ट हमारा इशू है, वो हमारा जो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा और सदर्न हरियाणा के लिए इशूड है आने वाले 2 दिन के लिए, यानी कि day 2 day 3 के लिए। day 1 में हमारा थोड़ा हैवी रेनफॉल का, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा में भी एक दो जगह पे चांसेस हैं। तो सर, पंजाब में कोई अलर्ट किसी तरह से? पंजाब में अभी सिर्फ नॉर्मल थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग कहीं देखने को मिल सकती है और एक दो जगह पे इंटेंस रेन को दिखे, उसका कोई अलर्ट अभी इशू नहीं किया गया। तो सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीच बीच में काफी धूप जो है वो तेज धूप निकल रही है, उसको लेकर भी कुछ आने वाले दिनों में कुछ और मौसम में बदलाव होगा? नहीं, अभी रेनफॉल एक्टिविटी तो अभी चलेगी, मतलब कोई सीज नहीं की है, पर अभी आने वाले दिनों में हमारा खासकर हरियाणा में और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब में रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू करेगी। क्योंकि सर, इस महीने में अब थोड़ा सा बदलाव कब होगा, थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी से कब थोड़ी सी और राहत मिलेगी लोगों को आने वाले? देखिए, अभी तो बारिश का सीजन है, अभी तो मौसम का सीजन है, जो हमारा टेम्परेचर में कोई अप्रोक्सीमेटली प्रोफाइल में अक्टूबर में इनफैक्ट थोड़ा सा टेम्परेचर फिर राइज करता है, जब हमारी रेनफॉल वगैरह बंद होती है तो थोड़ा हल्का सा राइज करता है टेम्परेचर, फिर मिड अक्टूबर के बाद ही जो टेम्परेचर दोबारा फॉल होना शुरू करता है। तो अभी तो हमारा जो करंट सिनेरियो है टेम्परेचर का वही प्रिवेल करेगा, पर आने वाले 2 दिनों में थोड़ा सा टेम्परेचर हमारा और फॉल कर सकता है, बट वो माइनर फॉल होगा एसोसिएटेड विद रेनफॉल और जो क्लाउडीनेस रहेगी हमारे रीजन में।